गुप्त रखनी चाहिए ये 5 बातें, बताने पर होता है खुद का नुकसान। ग्रंथ में जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताया है कि कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, ये 5 बातें कभी नहीं साझा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप खुद मुश्किलों में पड़ जाएंगे। जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती हैं। हम अपने आसपास कई लोगों से मिलते हैं, इनमें से कुछ हमारे बेहद करीबी भी होते हैं, जिनके साथ हम अपने दुख सुख को साझा करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि दूसरों के साथ अपने तनाव या समस्या को साझा करने से मन हल्का होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। इन बातों का जिक्र करने से आप खुद का ही नुकसान करेंगे। जानते हैं कौन सी हैं वो बातें? दुख। भगवान शिव कहते हैं कि अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई आपके दुख को कम नहीं कर सकता है। आपका दुख सुनकर भले ही सामने वाला सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन आपके पीठ पीछे वह आपका मजाक भी उड़ाएगा। प्रेम संबंध। अपने प्रेम संबंध के बारे में ज्यादातर लोग दोस्तों से इसकी चर्चा करते हैं। महादेव कहते हैं ऐसा करने से भविष्य में यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए प्रेम संबंधों की चर्चा भी किसी से नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा छुपा के रखा जाए उतना ही सही होता है। परिवार या पत्नी की बातें। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसलिए पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हो गई हो या पारिवारिक मतभेद चल रहा हो तो इसकी भी चर्चा बाहर के व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। इससे समस्या का हल नहीं होता बल्कि कलह और बढ़ता है। धन से जुड़ी बातें। भगवान शिव कहते हैं कि किसी करीबी या अनजान दोनों ही तरह के व्यक्ति से धन संबंधी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कितना कमाते हैं, घर पर कितना खर्च होता है और आप कितना बचाते हैं, ये सारी बातें किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। अपमान की बात। अगर जीवन में आपने कभी किसी का अपमान किया है तो इसका जिक्र भी किसी के साथ ना करें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति भी आपका अपमान कर सकता है, साथ ही इससे आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है।